सारे कुछ खेल खेल रहे हैं स्कूल के मैदान में बाहर। चलो आज माँ के हाथ की गर्म गर्म रोटियाँ खाने को मिलेंगी। मेरी तो मौज है विद्या, हम लोग तो अभी खेत जाना और खेत का काम निपटा कर घर पहुँचेंगे जब तक खाना ठंडा हो चुका होगा। अरे विद्या तेरी माँ कितना ख्याल रखती है, तभी तो बच्चन सब तो होशियार है। माँ तो सभी का ख्याल रखती है पता है। इस बार मेरे पिताजी ने बोला था मैं क्लास में टॉप करूंगी तो वो मुझे शहर की बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, मेरे छात्रवृत्ति ही मिलेगी। तो अच्छी किस्मत वाली है विद्या। ये घर का दर्द है जहाँ माँ बाप बच्ची को डांट रहे हैं, बच्चा सहम हुआ कुछ उदास सा बैठा हुआ है। विक्की है इसका नाम। कैसा ना लायक है तुम्हारे लाला, कुछ काम ढंग से नहीं करता, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है ना लायक का। अब क्या हो गया? अरे कल मेरी मोबाइल पानी में गिरा दिया और यार शर्ट प्रेस करने को दी तो शर्ट जला दी, ना लायक नहीं पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है ना लायक का। ये सब क्या है, स्कूल में किसी गलत संगत में तो नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि ये इसके दोस्त मुझे ना सही से लगते हैं। मैं दोस्त तो कुछ मत बोलो ना लायक, जुबान लड़ाता है, खाना पीना बंद कर दो इसका। दो तीन दिन के लिए ये कमरे में बंद रहेगा ना, दो तीन दिन बुद्धि ठिकाने लग जाएगी ना लायक कहीं का जुबान लड़ाता है। हाँ हाँ मुझे भी लगा दो एकदम आता, सारा ऑफिस में तो मुझ पर उतार दो और वो बस तुम्हारी शराब और सफा चढ़ कर बोलती है। तुम शांत रहो वरना वो हाल करूंगा कि इसने जुबान लड़ा तुम्हें से सीखा है, शांत रहना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो बच्चों अपने अटेंडेंस बोलेंगे। हाँ सर। विक्की यस सर। राजेश यस सर। संजू यस सर। राम किशोर यस सर। कामनी यस सर। सभी बच्चे उपस्थित हैं। हाँ सर। तो बच्चों कल हमने कुछ पाठ पढ़ाया था स्वास्थ्य के बारे में, तो आप लोगों को याद करने के लिए भी दिया था, तो क्या तुम लोगों ने वो याद किया? जी सर। हाँ सर। तो हम आज क्वेश्चन करेंगे बताना। जी सर। कोई ये बता सकता है कि शरीर के विकास के लिए क्या जरूरी होता है? हम बताएं सर। हाँ बताओ। गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू गांजा अफीम आदि सब ये नशे प्रकार है और इनके सेवन से आदमी बहुत बुरी लत पकड़ जाता है जो कि बाद में छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें क्योंकि नशा से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है और जनता पर पड़ता है और इससे धन की भी बहुत हानि होती है। तो आप लोग नशा ना करें और आप लोग ये ना सोचें बच्चे ये छोटे जो होते हैं मतलब ये जो चुटकी होती है चुटकी भी खाना नशा होता है क्योंकि नशा जैसे आप लोगों ने चुटकी खाई तो आप लोगों ने सोचा कि वो मीठी होती है, चलो आगे सूटी वाले ले लेते हैं ये भी मीठी होती है कुछ नशा नहीं है। तो आप लोगों ने धीरे धीरे सूटी लेना चालू कर दिया जो सुपारी वाली होती है, फिर सुपारी वाली सूटी लेना चालू कर दिया, फिर इसके बाद में गुटखा जो आते हैं भारत सीरी ये सब कुछ इसमें सुपारी होती है तो वो खाना चालू कर दिया। फिर कोई फ्रेंड मिल गया तुम्हारे साथ का तो वो कहेगा यार थोड़ी सी तम्बाकू और लगा लो, दारू की वजह से हुआ है वो नशा की एकता नशा में चला रहा होगा। तो आप लोग नशा ना करें क्योंकि नशे से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ये शरीर को और दिमाग को खोखला कर देती है, ना तो शरीर अपना कुछ सही सोच सकता है ना ही शरीर दिमाग अपना कुछ सही निर्णय ले सकता है क्योंकि अपन उसी के नशे के बारे में मुझे ही बता रहे थे, मुझे पता है कि खराब होता है।
विक्की ये क्या है, ये तो थिनर है, तुम ये विक्का नहीं लगे, पता है एक प्रकार का नशा होता है थिनर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कैसे, कहे साफ साफ बताओ तुम क्या कर रहे हो, हम सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। नशी वाले मुझे बता रहे थे, मुझे पता है कितना खराब होता है, जब मेरे घर में भी ऐसा करने वाले मौजूद है उनकी वजह से आज मैं संगत में हमारी क्लास में विक्की नाम का लड़का पढ़ता है, पता नहीं उसे नशे की लत लग जाने का, बहुत ज्यादा बीमार भी रहता है, वो क्लास में शांत बैठा रहता है, पहले बहुत हंसता बोल रहा था, अब वो भी नहीं करता, और क्लास में बैठी हुई ऐसा लगे वो हमारे साथ हो ही नहीं, क्या करें उसके लिए।